हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश पंत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीके के शॉर्टकट ट्रिक्स की, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को, इन सब ट्रिक्स को आप 3 से 4 बार वॉच करिए इस वीडियो को, और उसके बाद खुद से, अपने आप से, अपनी नोटबुक में इन सब ट्रिक्स को लिखने का प्रयास करिए। उसमें आप क्या करेंगे, नोट्स में अपने केवल ये लिखेंगे कि सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों के नाम, फिर ये ट्रिक लिख दीजिए आप। ठीक है ना, एक बार तो आप उसकी फुल फॉर्म लिखिए, हाँ बी का मतलब क्या है, और एक बार फेयर जो नोट्स बनाएंगे आप उसमें कंप्लीट ट्रिक्स लिखिए बिना चीटिंग के साथ। देखिए बच्चों, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आप कोई भी अगर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कोई भी जीके जीएस का पार्ट्स कुछ भी पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ये मैं मानता हूँ, और ये भी आप मानते होंगे कि जीएस का कोई अंत नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता होती है। जो स्मार्ट स्टडी करता है वो जल्दी जॉब गेन कर लेता है, अदरवाइज क्या होता है, लोग कई घंटे, कई सालों तक उनको लग जाते हैं और एक भी वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, इसीलिए मैं जितना प्रयास कर रहा हूँ उतना प्रयास आप भी करेंगे। और जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपके लिए यूजफुल हो तो, राइट। और इसके अलावा मैंने 2-3 वीडियो इस चैनल पे और डाली है शॉर्टकट ट्रिक्स की, जिसमें मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें 10 ट्रिक है शॉर्टकट जीएस की, तो वो भी आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। देखिए, सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों के क्रम सॉरी यहां वो कह रहा है कि सूर्य है, और सूर्य से, जैसे ये एक सूर्य है, ठीक है, यहाँ पे ये एक सूर्य हो गया हमारा। इस सूर्य से दूरी के आधार पर जो क्रम होता है ग्रहों का क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हमसे, पोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स है बस पम बस अब। ठीक है, बा से बुध, सा से शुक्र, पा से पृथ्वी, मा से मंगल। ठीक है, इस बा से बना बुध, सा से बना शुक्र, पी से बना पृथ्वी, मा से बना मंगल। फिर इस बा सा आ बा, बस अब सेकंड वाले से बना बा से बृहस्पति, सा से शनि, आ से अरुण, बा से वरुण। ठीक है, देखिए आप ये बोलोगे, अब मुझे कंफ्यूजन है कि इस बा में और इस बा में किस में अगर गलती से अपने पहले वाले बा में बृहस्पति लगा दिए तो गलत हो जाएगा। दोस्तों अब याद रखिए, पहला वाला आपको बसपम ही याद करना पड़ेगा, पहले बुध आता है फिर बाद में बृहस्पति आता है। ठीक है, पहले वाले बा से तो आप बुध कर देंगे रिलेट, और सेकेंड वाली बा से बृहस्पति कर देंगे। अब आप बोलेंगे इस सा में और इस सा में अगर गलती से हमने कन्फ्यूजन कर दी तो पहले क्या आता है, शुक्र आता है, फिर बाद में क्या आता है, शनि आता है। तो इसलिए मैंने इस ट्रिक को इस तरह से लॉजिकल लिखा है यहाँ पर। अगर आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वैसे इसमें अब कन्फ्यूजन की शायद मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है, कन्फ्यूजन सर आपकी अब हट गई होगी। पहले वाले बा से बुध, क्योंकि पहले बुध आता है कैलेंडर में, जो हमारे 7 सप्ताह होते हैं ना उसमें पहले बुध आता है फिर बृहस्पति आता है, तो पहले वाले बाद से बुध, सेकंड वाले बाद से बृहस्पति, मतलब पहला और आखिरी फर्क कितना, देखो दोनों में, ये स्टार्टिंग में आ गया, ये एंड में आ गया। तो इस तरह से हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 की। ट्रिक नंबर 2 मोस्ट टाइम पे ट्रिक्स है। ठीक है, नोट्स बनाते चले जाइए साइड में रफली, और बाद में उसको आप फेयर नोट कर लेना। पूरा प्रयास करिए इन ट्रिक को समझने का, सीखने का, याद करने का, क्योंकि ये सभी ट्रिक हैं एग्जाम में कई बार पूछी जाते हैं। ग्रहों के ऊपर एक ना एक तो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, और जो भी बच्चे अगर 10+2 का तैयारी कर रहे हैं, जिनके एमटीएस का आने वाला एग्जाम है, तो उनको मैं साफ साफ कहना चाहूंगा कि तैयारी ढंग से कर लीजिए। क्योंकि इस बार क्या है, जिन्होंने 10+2 LDC दिया है तो उन्होंने देखा होगा कि अब जो है ना एग्जाम का जो जीएस का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज कर दिया उन्होंने, जीएस का पूरा पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज कर दिया, क्योंकि एग्जाम अब सारा ऑनलाइन हो गया है, आप सबको पता होगा। तो अब आपको स्मार्ट अप्रोच करनी पड़ेगी डेवलप। अगर स्मार्ट अप्रोच आप लगा सकते हो एग्जाम में, तो आप 6 महीने की तैयारी में ही ये एग्जाम बड़े आराम से क्रैक कर सकते हो। मैं 6 महीने उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो जॉब भी करते हैं साइड में, प्राइवेट जॉब, उनकी बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। तो जो लोग अगर जॉब नहीं करते हैं उनके पास अभी टाइम ही टाइम है, डरने की आवश्यकता नहीं है।
मेहनत अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो ये चैनल आपके साथ तैयार है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ट्रिक नंबर टू की तरफ, आकार के आधार पर। आकार के आधार मतलब साइज किसका बड़ा है, सबसे बड़ा किसका है, फिर उससे छोटा साइज किसका है। जैसे कि एक आदमी है जिसका वेट 60 किलो है, फिर उसके बाद एक है 50 किलो वाला, ठीक है ना। ये आकार के आधार पर कहीं ना कहीं वो केजी केजी के हिसाब से डिवाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग साइज के हिसाब से कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ देखिए सेकंड ट्रिक है, बस अब पस मब। ठीक है, इस बा से बना बृहस्पति, सा से बना शनि, आ से बना अरुण और वा से बना वरुण। ठीक है, अब इस पा से तो बन गया पृथ्वी, सा से बन गया शुक्र, मा से बन गया मंगल और बा से बन गया बुध। अब यहां पे जो ना आकार को आपको रिवर्स कर देना है, पहले बृहस्पति आएगा आकार में, क्योंकि बृहस्पति देवता की पूजा क्या होती है, काफी अधिक होती है। आपने देखा होगा ना पीला रंग बृहस्पति का व्रत है, ये करना है वो करना है, क्योंकि बृहस्पति जो फास्ट होता है सबसे बड़ा फास्ट माना जाता है। तो इसलिए आकार के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा हो गया, बृहस्पति, और पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है, यहाँ पे बोल दीजिएगा बुध। ठीक है, देखिए आगे जो है अगला है प्रमुख ग्रहों के उपनाम। उपनाम मतलब करके जैसे कि आपका घर का नाम मानो कि जैसे सुनील है, ठीक है, सुनील है, अनिल है, लेकिन आपका घर का नाम कुछ यूनिक होगा, जैसे टिंकू, मोनू, सोनू, ठीक है, इस तरह के। तो हर एक का कोई ना कोई निक नाम भी है, ठीक है ना, उनके उपनाम बोलते हैं, मतलब कि जैसे एक तरह से आप सरनेम बोल दो उनके साथ में। ठीक है, यहां देखिए इसके लिए ट्रिक है, अरुण वरुण हरा। अरुण और वरुण ग्रह को क्या बोलते हैं, हरा बोलते हैं। तो मंगल लाल, मंगल क्या होते हैं, मंगल हनुमान जी होते हैं, हनुमान जी का कलर कैसा होता है, लाल रंग का। ठीक है, इससे से याद कर लीजिएगा, मंगल क्या होता है, हनुमान जी का तो होता है डे, वो कैसा होते हैं भगवान जी हमारे हनुमान जी, लाल कलर के होते हैं ना। अब देखिए पृथ्वी नीला तो बृहस्पति पीला। अब पृथ्वी नीला, देखो पृथ्वी में क्या है, मैक्सिमम जल है, जल कैसा होता है, नीला। बृहस्पति पीला, बृहस्पति भगवान के समय जो व्रत हम लेते हैं उस टाइम में हम पीले कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, तो पीली चीज से हम उस टाइम में परहेज करते हैं पूरा A to Z, तो पीला ही कपड़ा, ठीक है, बृहस्पति के नाम से पीला हो गया। शनि काला, शनि की मूर्ति कभी आपने देखी है कैसे कलर की होती है, शनि भगवान की मूर्ति काले रंग की, तो आप इससे याद कर लीजिए। तो शुक्र चमकीला, शुक्रवार को आप चमकीले से याद कर लीजिए, ठीक है ना। शुक्र चमकीला भी होता है, इवनिंग स्टार भी होता है, नाइट स्टार भी होता है, भोर का तारा बोलते हैं इसको, सूर्य उदय का तारा भी बोलते हैं, तो इसके काफी सारे नाम है। ठीक है, मेन चीज यही होता है कि इस तरह से बेसिक यही पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, मैंने कई रिसर्च करी है, उसके बाद में ये ट्रिक सारे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब ट्रिक को, कई बार वीडियो को पॉज करिए, प्ले करिए, 3 से 4 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये सारी ट्रिक आपको याद हो जाएगी। अगला है विटामिन के रासायनिक नाम। देखिए विटामिन के रासायनिक नाम याद करने के लिए इसके लिए ट्रिक है, अरे बात सही है, डी के ईटा काफी है। विटामिन को लेके भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आ से विटामिन ए, बा से विटामिन बी, सा से विटामिन सी, डी से विटामिन डी, ई से विटामिन ई, का से विटामिन के। ठीक है, देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, बी का थायमिन, ई का एस्कॉर्बिक, के का कैल्सिफेराल, इस टा से बनाए टोकोफेराल, इस फा से बनाए फ्ली क्यू नोन। ठीक है बच्चों, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करते हैं हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। रीजनिंग में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको 4 ऑप्शंस देगा या पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है, 3 ऑप्शन देगा KED, अगला दे देगा K, और छाटना है आपको उसमें। ठीक है, आप याद रखिए वसा में घुलनशील कीड़ा,
मतलब कीड़े को अगर आप वसा में डालोगे तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, घुल जाएगा, गल जाएगा कीड़ा। कीड़ा मतलब KED, के से विटामिन, के विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी रिमेनिंग क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। बाकी बचे कौन से, बी एंड सी, जल में बी सी, कीड़ा वसा में, ठीक है। अब देखिए इनकी कमी से होने वाले रोग के नाम क्या क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको चार ऑप्शन दे देगा इसमें से, तो आपको सही उसमें से चूज करना है। देखिए जीएस क्या होता है, थोड़ी सी स्टार्टिंग की मेहनत मांगता है, थोड़ी वो भी स्मार्ट मेहनत मांगता है। ये नहीं कि आप बड़ी सी मोटी सी किताब ले आओ, उसको दिन रात पढ़ने बैठ गया, सुबह शाम पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, सफा फॉर्मूला माइंड में लगता जा रहा है। सफा का मतलब जो याद कर रहे हैं वो याद हो ही नहीं पा रहा है, याद हुआ तो एक आध घंटे के लिए याद हुआ, अगले दिन सारा साफ। तो यहाँ पे क्या होता है, जीएस में स्मार्ट ट्रिक्स आपको इस्तेमाल करनी है अपनी लाइफ में, अगर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो। देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। देखिए ए बी सी तीनों काफी अच्छे हैं एग्जाम के लिए, तीनों याद करने हैं आपको। विटामिन डी से रिकेट्स, ई से बाजपन, जो महिलाओं को मतलब दिक्कत होती है बेबी होने में तो उसे हम बोलते हैं बाजपन, ठीक है। ये विटामिन ई की कमी से होता है, और विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का। देखिए क्या होता है, विटामिन के काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए रक्त का थक्का आपको शायद पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, कभी अगर आपको चोट लगती है, कभी आपके हाथ में कभी चोट लगी, ठीक है, हाथ में चोट लगने के बाद में क्या होता है, आप देखते हो कि उसमें से खून निकलता है। जो खून निकलता है ना, तो कुछ लोगों का खून जो वो बहते जाता है, बहते जाता है, बहते जाता है, वो रुकने का नाम लेता ही नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि उसके अंदर विटामिन के की कमी है। जो खून निकल, जो चोट लगती है, चोट में से जो खून का रिसाव होता है, जो खून बहता है, अगर वो जल्दी सही समय पर जम जाता है अपने आप, तो विटामिन के की जो है बॉडी में कमी कुछ नहीं है। अगर नहीं जम रहा है, कंटिन्यू निकलते जा रहा है, आप ये सोचिए एक आदमी है, उसका सड़क एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, उसका सड़क अगर एक्सीडेंट हुआ तो खून तो निकलेगा पक्का। तो उस केस में क्या होता है कि अगर वो हॉस्पिटल जाता है और उसका ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो उसको विटामिन के क्या एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें विटामिन के की मात्रा बहुत अधिक होती है, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है उस इंजेक्शन का। उस इंजेक्शन के असर से क्या होता है, उसका ब्लड मात्र 10 से 7 मिनट में पूरा ब्लड जो बहना होता है वो रुक जाता है। अब ब्लड जब रुक गया तो बॉडी में जो ब्लड की कमी थी, वो जो फालतू में वेस्ट हो रहा था, वो अब रुक गया, अब बचा बस केवल घाव। और घाव क्या होता है, घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। अगर ब्लड कंटिन्यू निकलते रहा विटामिन के की कमी से, और आप रस्त, आप जहां पे आपका एक्सीडेंट हुआ है, जहां पे उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, वहां से वहां तक जाने में उसे काफी समय खर्च हो जाएगा। तो आधे घंटे तक अगर बॉडी में विटामिन के की कमी होगी, सोचो कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हम गौर नहीं करते। तो ये सब विटामिन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं, हर विटामिन का अपना अपना एक रोल है हर जगह, ठीक है। तो ये थे विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ट्रिक नंबर फोर भी मोस्ट टाइम पे ट्रिक्स है। ट्रिक तो खैर सारी इंपॉर्टेंट है, आप किसी को स्किप नहीं कर सकती कि यार ठीक है एक ट्रिक छोड़ देते हैं, क्या जाता है एक ट्रिक छोड़ने में, ठीक है ना। तो इसमें बिगड़ता ही क्या है हमारा, एक आध ट्रिक छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ऐसे छोड़ोगे फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही हम स्किप कर देंगे, और पूरी मतलब यहाँ वहाँ की किताबें पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, किताबों का ढेर मत लगाओ। चलिए ट्रिक नंबर फोर है समानता। समानता सा मा न ता, सा से बना साबरमती, मा से बना माही नदी, ना से बना नर्मदा नदी, ता से बना ताप्ती नदी, ठीक है। ध्यान से समानता, अगर आप ध्यान से गौर से देखेंगे और इस वाली चीज पे फोकस करेंगे, पॉज कर लीजिए इसको, फोकस करिए 3-4 बार माइंड में दोहराइए, ठीक है। साबरमती, सा से साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा, ता से ताप्ती, ठीक है। ये चारों नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, बल्कि सब पूर्व में बहती हैं। आपको पता है पूरा पश्चिम किस तरफ होता है, ये भी पता आपको होना जरूरी है। देखिए पूरा पश्चिम में आपको बताऊं कि कहाँ कहाँ होता है। देखिए ये मैं कितने बच्चों वाले काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ना, पूरा पश्चिम समझा रहा हूँ आपको, वैसे पता होगा, जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है। ये पूरा, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये सारी जो है ट्रिक आपकी हो गई। देखिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज एक एटलस परचेज कर लीजिए, ठीक है। एक एटलस परचेज कर लीजिए,
किसी भी कोई सा भी एटलस ले लीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एटलस में क्या होता है, आप कोई भी ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं इस टाइप का जिसमें आपको एटलस की आवश्यकता पड़ने वाली है, और वो कहता है कि वो नदी वहां पे थी, तो आप एटलस उठाइए, वहां पे देखिए, वॉच करिए, या वो स्टेट में ऐसा कुछ आंदोलन हुआ था तो उसको देखिए स्टेट में कहा, अच्छा लखनऊ यहाँ पे, अच्छे अच्छे मतलब अच्छा त्रिवेंद्रम यहाँ पे पड़ता है, ठीक है मैप में देखा इंडिया के, ऐसे क्या होता है कि आपका आईक्यू लेवल काफी जल्दी इंक्रीज हो जाता है। आप स्मार्ट अप्रोच कैसे अप्लाई करते हैं या स्किल्स को बहुत जल्दी सीख पाते हैं, देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की तो थोड़ा बहुत तो देखो पैसा खर्च होता ही होता है, ठीक है, बी फ्रेंकली। बाकी ठीक है अगर किसी के वित्तीय संसाधन ज़्यादा अच्छे नहीं है, जो फाइनेंशियल काफ़ी वीक है, नहीं ले सकता, तो वो अलग बात है, ठीक है, उसमें मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। अगर आप नेट चला रहे हैं अभी देख रहे हैं तो एक PDF सेव कर लीजिए मोबाइल पर अपने, PDF से वॉच कर लीजिएगा एटलस सारा, मतलब पूरा एटलस नहीं मिलता बट बेसिक जो होते हैं इमेज वगैरह, जैसे कि वर्ल्ड इमेज ले लिया अपने एटलस की नेट से, इंडिया का ले लिया, ज्योग्राफिकल एरिया ले लिया, तो छोटी बड़ी चीज़ें आप डाउनलोड कर लीजिए नेट से, ठीक है। एग्ज़ाम तो क्रैक होगा, एग्ज़ाम तो आपको पक्का क्रैक होगा, 6 महीने में ही क्रैक होगा, आप लगे रहिए बस केवल, लेकिन सीरियस तरीके से, ये नहीं कि आप किताब खोल के बैठ के पढ़ रहे हैं, ध्यान किसी और जगह जा रहा है, मम्मी ने ये बोला आज, पापा ने ये बोला आज, यार वहाँ भी जाना है, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। पढ़ाई आप पढ़ रही केवल 2 घंटे भी पढ़ते हैं ना सीरियस तरीके से पूरे फोकस के साथ में, बहुत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यही वो नदियां हैं जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। खंबात की खाड़ी में कौन सी नदियां बात कर रहा हूं मैं, साबरमती नदी जो है, सारी से समानता नदी जो है वो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, ये याद रखिए, ठीक है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, बाकी सभी डेल्टा बनाती हैं। वो कहता है एग्जाम में पूछता है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, आपको दो दो नदियों की पेयरिंग दे देगा, नर्मदा और ताप्ती, माही और ताप्ती, साबरमती और ताप्ती, तो आपको चूज करना है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी कभी भी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, इस तरह से आपको स्टडी करनी है। ये दोनों ही लाइन नर्मदा और ताप्ती, इसको हाईलाइट कर लेना अपने यहाँ पर, ठीक है, बुक में। अगला है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पे पड़ती है मैप में, फिर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है, अभी भी मज़ा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लर्न हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर मैप होगा ना तो समझिए कि पढ़ाई में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। इसकी ट्रिक है MP की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, MP, ठीक है ना, M से बना महानदी, P से बना पिन्नार, की का कोई रोल नहीं है इसमें, की साइलेंस रहेगा, ठीक है ना, गोद से बना गोदावरी और उसके साथ में गंगा जोड़ लीजिए, मे यहाँ पे साइलेंस रहेगा, ठीक है ना, ऊपर जो था ना मे, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है। रेखा मतलब स्वर्ण रेखा, का से कावेरी, का से कृष्णा, ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना, ये मैंने जो बनाया, जो लिंक बनाया था ये वाला, तो वो मैंने सही फ्लो बने सेंटेंस का इसलिए बनाया था, ठीक है। MP की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, अगर मैं ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे लिखूंगा तो आप ढंग से याद नहीं कर पाएंगे, ट्रिक को बैठाने के लिए कुछ वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ते हैं, जैसे इसमें मे मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा था, की मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा था, तो ये चीज, ठीक है। आगे है कैसे कृष्णा, बा से ब्राह्मणी, विलय से वेगई, ये लिंक नहीं बैठ रहा है लेकिन फिर भी आपको याद करना पड़ेगा, वी से वेगई, हुआ साइलेंस है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अगला है ट्रिक नंबर 6, मोस्ट टाइम पे ट्रिक्स, ट्रिक नंबर 6 हमसे ये कहती है कि यमुना नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर कौन कौन से हैं। इसकी ट्रिक है दिल में आग, दिल से दिल्ली, मे से मथुरा, आग से आगरा, बहुत इजी ट्रिक है, दिल में आग, दिल में आग होनी चाहिए, ऐसे याद कर लीजिए, दिल में आग है तो यमुना नदी के दर्शन करके आओ, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है, दिल में आग है तो जाओ यमुना नदी में डुबकी लगा के आओ, पवित्र हो जाओगे, दिल से दिल्ली, मे से मथुरा,
आग से याद रहा। ठीक है, अगली ट्रिक, मोस्ट टाइम दामोदर नदी पर स्थित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? दामोदर के पति दादू, ठीक है, दामोदर के पति कौन थे? दादू थे, दामोदर एक महिला का नाम था, दामोदर के पति कौन थे? दादू था उनका नाम। तो देखिए दामोदर से पूरा दामोदर एक लिंक बनाया कि दामोदर नदी की बात कर रहे हैं, इस पे परियोजना कौन सी है? पति दादू, ठीक है ना, पति और दादू को यहाँ पे हमको ड्राइव करना है, फैलाना है। ठीक है, देखिए, पास है पंचेत बांध, ती से तिलैया बांध, दा से दामोदर घाटी परियोजना और दू से दुलहस्ती परियोजना। ये थोड़े से जो नाम है काफी टिपिकल नाम है, जैसे तिलैया, पंचेत और दुलहस्ती, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वीडियो को आप, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि 4 से 5 बार वॉच करिए स्टार्टिंग से एंड तक पूरा कंप्लीटली। नोट्स को भी हैंड टू हैंड बनाते चलिए और हर एक नोट्स को आप ध्यान से देखिए अपने, जो मैं बोल रहा हूँ उसके बाद उस चीज को अपने नोट से टैली करिए। ठीक है, आपको जल्दी याद हो जाएगा। अगली ट्रिक्स है विभिन्न किरणें एवं उनके खोजकर्ता। लहर गांव के एक राजा अहमद को परी दर्शन हुए, इसकी ट्रिक है, लहर गांव के एक राजा अहमद को परी दर्शन हुए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लहर को मैंने डिवाइड करा है, स्टार्टिंग का लहर जो है ये मैंने अलग डिवाइड करा है और इसको मैंने अलग डिवाइड करा है। ठीक है ना, इसका लय मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा है लघु तरंगे और हर को मैंने यहाँ शिफ्ट करा है, ऐसे ही मैंने करा है, गा गा यहाँ पे शिफ्ट हो गया और वाह वाह यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, इस आ में ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया, लेकिन दीर्घ में थोड़ा सा मैंने अलग करा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे आपका ये था कि अहमद, अहमद मद को मैंने इस तरफ ले लिया और दय को मैंने इस तरफ ले लिया। ठीक है, आप चाहो तो उसको दम कर लो, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए वो देखते हैं, बताता हूँ आपको। देखिए लघु तरंगे जो होती हैं, ठीक है, उनके खोजकर्ता कौन थे? हर्टेज। ठीक है, लहर से याद करिए हर्टेज, ये लिंक मोस्ट टाइम पे लिंक है, जो ट्रिक बताइए लहर गांव के एक राजा अहमद को परी दर्शन हुए, ये आपको याद करना पड़ेगा और ये ट्रिक्स आपको कम से कम खुद से 4 से 5 बार लिखनी पड़ेगी तब जाकर आपको ट्रिक्स याद होगी। किरणों के बारे में एग्जाम में एक नया क्वेश्चन कंपलसरी आता है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे LDC एग्जाम हो या फिर MTS का एग्जाम क्यों ना हो, इसलिए स्मार्ट अप्रोच लगाना शुरू कर दीजिए। पहले तो स्मार्ट स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तो अप्रोच लगाओगे। ठीक है, देखिए गामा किरण की खोज, इस गा से गामा, वा से बैकुरल, एक राजा, एक मतलब एक्स राजा का मतलब रोयंटजन। ठीक है, अवरक्त, आ से अवरक्त, हा से हरसेल, दीर्घ, दा से दीर्घ, ठीक है ना, मा से मार्कोनी। ठीक है, पराबैंगनी, पा से पराबैंगनी, री से रिचर। ठीक है, दर्शन मतलब दृश्य तरंगे और नए से मतलब न्यूटोन। अब देखिए ट्रिक नंबर 9, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि वायुमंडल का परसेंटेज हमारे वायुमंडल में कितना है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है हमारे वायुमंडल में कितना है, वो पूछता है, आपको ऑप्शन दे देगा 21, 20, 22, 23, आपको चूज करना है 21%, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी खोज सर्वप्रथम स्वीडन के वैज्ञानिक सीले ने 1772 ईस्वी में की थी। देखिए ऑक्सीजन भी हमारे एटमोसफेयर में है, बहुत बड़ा रोल करती है, हम जो जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन का सबसे बड़ा रोल है। उसकी जो खोज करी थी, किसने करी थी, ये नाम भी हमको पता होना चाहिए, अगर उसने खोज नहीं करी होती तो हमको अभी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, ये समझ लीजिए आप। उनका नाम है क्या है? सीले, ठीक है ना, सीला, सीला से याद कर लीजिए, सीले, ठीक है ना, लेडीज है तो सीला, जेंट्स है तो सीले। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने करी? सीले ने, राइट। नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है, इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1773 में करी। एक साल पहले 1772 में ऑक्सीजन आया, फिर उसके बाद में 1773 में नाइट्रोजन आ गया, इस तरह से याद कर लीजिए। खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। ठीक है बच्चों, आगे है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन यह एक रंगहीन गैस है। वो हमसे पूछता है कि रंगहीन गैस कौन सी है, चार ऑप्शन दे देगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन। आपको सही टिक लगाना है हाइड्रोजन पे, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बनता है वो स्किल्स आपको डेवलप करनी आनी चाहिए, वो लेकिन तभी आती है जब आप मैक्सिमम पढ़ाई में उलझे रहो। पढ़ाई आप मैक्सिमम सी एस सी से करोगे तो आपको ऑटोमेटिक कैसे क्वेश्चंस पिक करना है, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये स्किल्स आपके अंदर डेवलप होने लगेगी, ठीक है। इसकी खोज जो करी वो करी हेनरी कैविडिस ने की थी, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। बट फिर भी मैं एक कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि विटामिन की खोज किसने करी, ठीक है। मैंने वहाँ नहीं बताया मैंने कि उसमें भी मिक्स हो जाएगा, आप थोड़े कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यार समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं आप लास्ट में लिख रहा हूँ। विटामिन ए की खोज जो करी थी वो आप लिख लीजिए, ये करी थी कैसेमिर फुंक ने, ठीक है ना। जो विटामिन्स की जो खोज हुई, ये करी थी कैसेमिर कुछ कुछ ऐसी होगा, कुछ होगा नहीं ऐसा ही है, कैसेमिर फुंक, हाँ फुंक है वो, ठीक है। और इसी के साथ मैं रिपीट करूंगा डीएनए, ठीक है। डीएनए आपको पता होगा इसकी खोज किसने करी थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दो लोग थे, वॉटसन, लिख लीजिए इसको, याद कर लीजिएगा जरूर, ये वॉटसन वाला तो बड़ा डीएनए तो पक्का है, ठीक है ना। डीएनए, डीएनए बहुत चला है, डीएनए टेस्ट करना है, डीएनए टेस्ट करवा लो। इस जब से ये फेमस हुआ, इसके आविष्कार कौन थे, आविष्कारक कौन थे, उनका नाम पूछता है, खोज किसने करी, वॉटसन और क्रिक ने, ठीक है। अब आती बात विटामिन ए, विटामिन ए की जो होता है, विटामिन ए जो होता है हमारे यकृत में होता है, ठीक है। इसका जो संबंध है वो है यकृत से, यकृत, ठीक है। अब देखिए मुझे एक बार बताइए, विटामिन्स को लेकर के कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बट वो सीजीएल का लेवल का क्वेश्चन है वैसे, और वो पता नहीं एसएससी क्या पता आपके एमटीएस में पूछ ले, तो इसलिए ठीक है। एक बात आप याद रखिएगा कि एग्जाम एक एक्चुअली जंगल की तरह होता है, जैसे जंगल में हम शिकार करने जाए किसी खरगोश का, तो हथियार तो कम से कम शेर के लेके चलते हैं ना। अब ना जाने कब किस शेर से मुलाकात हो जाए, तुम ये थोड़ा बोलोगे शेर को, अगर वो चांस, तुम जंगल में गए शिकार करने खरगोश का और शेर सामने से आ जाएगा, तुम उसको बोलोगे क्या, ये बोलोगे जी हम तो खरगोश के पास आए थे शिकार करने के लिए, जी आप चले जाओ सामने से, हैं। तो इसलिए ये एक जंगल की तरह है, तैयारी पूरी अच्छे से कर लीजिए, कब किस क्वेश्चन से मुलाकात हो जाए कुछ नहीं पता एग्जाम में, ठीक है। मेरा मानना यही है, मतलब कि ये भी नहीं कि बस अंधाधुंध पढ़ते जाना है, सारी किताब परचेस कर लेके आनी है, ढेर लगा देना है, लाइब्रेरी खोल देनी है घर के अंदर अपनी एक। मैक्सिमम एस्पिरेंट यही होते हैं, एक साल के अंदर इतनी बुक परचेस कर लेते हैं, पढ़ते एक बुक नहीं है। प्लीज एक बुक को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक को एक बार भी ना, मतलब 10 बुक को आप एक बार भी नहीं पढ़ पाते ढंग से, क्योंकि ढेर ही इतना है। स्मार्ट अप्रोच अप्लाई करिए इस एग्जाम में, ठीक है। हमारे साथ बने रहिएगा, स्मार्ट अप्रोच कैसे करते हैं विकसित वो हम आपको जरूर सिखाएंगे। देखिए अब मुझे एक चीज बताइए, क्या होता है कि कभी कभी ना बाल टूटने लग जाते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं गंजे होते हैं ना, इंडिया में आपने देखा होगा जिसके बाल काफी कम है, आगे से पीछे तो बाल है लेकिन आगे काफी कम बाल है, तो बालों का झड़ना, बालों का टूटना किस विटामिन की कमी से होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, हमें नहीं पता होता है, हमारे साथ घट तो रहा है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर को लिखता है ये दवाई ले लेना, लेकिन उस दवाई में साल्ट क्या है वो तुमको पता होना चाहिए, क्या विटामिन की कमी हमारे बॉडी के अंदर हुई जिसकी वजह से हमारे बाल टूटने स्टार्ट हो गए, हमारे सर के बाल खत्म हो गए, कुछ लोग खत्म भी हो जाते हैं और कुछ लोग कम हो जाते हैं। तो बालों का झड़ना किस विटामिन की कमी से होता है, तो वो है विटामिन एच। तो ये होती है स्मार्ट स्किल्स पढ़ने की, ठीक है, आपको पता होना चाहिए था, नहीं पता था कोई बात नहीं, ठीक है। इसी के साथ मैं उमेश पंत उन्नति कंपटीशन क्लासेस से आप सबको ये लेक्चर पढ़ा रहा था। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, हो सके तो आपको जो भी फ्रेंड है तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की उन तक शेयर करिए, जो तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं कि आप बस कोई तैयारी नहीं कर रहा, कोई तुम्हारा फ्रेंड है जो डॉक्टरेट कर रहा है या लॉ कर रहा है उसको सेंड कर देंगे तो उसके लिए वो यूजलेस है, उसके यूज़ में इतना कुछ खास नहीं है। या फिर कोई बंदा लॉ कर रहा है, लॉ वाले को भी विटामिन से मतलब क्या है,
कॉमन सी बात है ना, मतलब जो फ्रेंड्स हैं आपके तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट हैं आपके साथ में, आपके कलीग हैं या आपका कोई कजन वगैरह है, तो वहां तक इस वीडियो को शेयर करिए और बोलिए उनसे कि 3 से 4 बार वॉच करिए, ठीक है, तब मजा आएगा पढ़ाई में, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी के साथ ऑल द बेस्ट आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए। जो बच्चे MTS का एग्जाम दे रहे हैं तो उनको मैं दोबारा बता दूं कि मैक्सिमम मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, ठीक है ना। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्मार्ट अप्रोच लगाइए, कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है ना। और फिलहाल एग्जाम अब आने ही वाला है, थोड़ा सीरियस सीखे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और वैसे भी मेरा मानना यही कि एग्जाम से कम 6 महीने पहले सीरियसली तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए, जिसके पास टाइम अच्छा है। जो बच्चा सेकेंडरी में है उसके पास तो फिर बहुत टाइम है, वो तो अच्छे नंबर से कट ऑफ पार कर सकता है। लेकिन ठीक है, टाइम कम है तो कोई बात नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी मेरी ओर से फिलहाल लगे रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। चलिए बाय, टेक केयर।